चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे डेलीगेशन। ठीक है, सो डेलीगेशन अभी फिलहाल मेरे पीछे छुप रहा है, उसको छुपे रहने देती है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बात डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ये दोनों टॉपिक्स आपकी क्लास 11th या फिर क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ रखे हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने इनको पढ़ा था, और बाकी अभी दोबारा सा पढ़ने जा रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है यार, देखो अगर मैं बेसिकली आपको मतलब बेसिक भाषा में बताऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों का ये होता है, एक टर्म ऐसी टर्म होती है या फिर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करना है कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है बेसिकली, हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू लोएस्ट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि सारी जितनी भी अथॉरिटीज है ना उसको लोअर लेवल पे बांट दो, एक्सेप्ट जो भी आपसे मतलब खुद से हो सकती है सेंट्रल पॉइंट पे हो सकती है आप उनको रखो और बाकी सबको नीचे बांट दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, फैक्टर्स क्या है इसके, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, इसके थ्रू क्या होता है, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन होते हैं, हमने बांट दी सारी चीजें अब बाकी के डिसीजन हम ले लेंगे। कम्युनिकेशन जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इसके अंदर। नेचर एंड कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट, कंपनी का नेचर और प्रोडक्ट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। लो कम्युनिकेशन हो जाती है, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन हो जाते हैं, और ये सब चीजें मतलब इन्हीं की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन आपका डिपेंड करता है। लास्ट आती है इनकी गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अंदर क्या कहता है, नंबर ऑफ डिसीजंस एट लोअर लेवल। ठीक है, मतलब जितने लोअर लेवल पे जितने ज्यादा डिसीजंस होंगे ना, ये गाइडलाइंस बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से, जितनी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ डिसीजंस लोअर लेवल पे होंगी उतनी ज्यादा अच्छी डिसेंट्रलाइजेशन है। सेकंड थिंग, डिसीजन मेड वेयर प्रॉब्लम्स अराइज, मतलब जैसे ही प्रॉब्लम अराइज हुई वैसे ही अगर डिसीजन ले लिया गया सो इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है ब्रेथ ऑफ डिसीजन, मतलब डिसीजन के एकदम ब्रेथ में एकदम डेप्थ में घुस गए उसको भी हम बोलते हैं अच्छी डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट है हमारा सबॉर्डिनेट चेकिंग लेस टू लेस विद सुपीरियर, इसके अंदर बेसिकली ये आता है कि सुपीरियर से या फिर सुपरवाइजर से अपने जो भी आपका मैनेजर है अगर एम्प्लॉय उससे कम पूछ रहा है, सबॉर्डिनेट उससे कम पूछ रहा है और डिसीजन खुद ले रहा है एंड इफेक्टिव और अच्छे ले रहा है सो इसको कहते हैं अच्छी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के सारे पॉइंट्स हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मेरिट्स होते हैं कि वर्कलोड कम हो जाता है इससे, अच्छी बात है। जॉब अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टेड बन जाती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की जॉब अट्रैक्टिव और इंटरेस्टेड बन जाती है। एनकरेज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव को एनकरेज करता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डीमेरिट्स, कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करने से। सेकंड थिंग, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट चीज, नैरो आउटलुक, इस नैरो आउटलुक बन जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक पूरा का पूरा, ठीक है, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं डेलीगेशन के ऊपर। डेलीगेशन बेसिकली बोलता क्या है, असाइनमेंट ऑफ वर्क टू अदर्स एंड ग्रांटिंग देम रिक्वेस्टेड अथॉरिटी टू अकम्प्लिश जॉब। अब यार देखो इनके अंदर ना एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब भी आप अपनी अथॉरिटी दे रहे होते हो ना सो उसके अंदर आपकी पूरी अथॉरिटी आपको देनी पड़ती है, बट डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ वर्क टू अदर्स एंड ग्रांटिंग देम रिक्वेस्टेड अथॉरिटी। रिक्वेस्टेड अथॉरिटी क्या होती है, थोड़ी अथॉरिटी देना है, पूरी अथॉरिटी नहीं दे सकता। डिसेंट्रलाइजेशन में आपको पूरी अथॉरिटी देनी पड़ती है हर काम की जो भी आप काम दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर आप किसी भी काम को दे रहे हो तो आपको पूरी अथॉरिटी नहीं देनी थी, आधी अथॉरिटी आप अपने पास भी रख सकते हो। बाकी इसके अंदर तीन पॉइंट्स मेन आती है एलिमेंट्स इसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये आप क्लास 12 के अंदर से पढ़ सकते हैं, बाकी इसको छोटा सा मैं बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भाई रिस्पॉन्सिबल है वो बंदा, अकाउंटेबिलिटी मतलब वो किसको आंसर करेगा, आंसरबिलिटी हो जाती है, और अथॉरिटी मतलब भाई उसको काम करना अथॉरिटी दे दी गई है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिल मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तू रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसे करके बोल सकते हैं। और साथ ही अगर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी में बेसिकली यही आता है कि हाँ यार अथॉरिटी देती है। ठीक है, मतलब तेरे पास अथॉरिटी है कि हाँ तू हाँ या ना करवा सकता, काम इसी से करवा दे तेरी मर्जी तेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें आ जाती है। बाकी आते हैं हम टाइप्स के ऊपर, इसके लिए काफी सारे टाइप्स हैं, मैं उस साइड आता हूँ ज्यादा बेटर मेरे को लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा ही दिख रहा हूँ। टाइप्स भी है, मेरिट्स भी है, प्रॉब्लम्स भी है, इफेक्टिव डेलीगेशन भी है, प्रिंसिपल्स भी है। तो ये पांच टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं। टाइप्स कौन कौन सी है, रिटन और ओरल, स्पेसिफिक और जनरल, सॉफ्ट और हार्ड, लेटरल और इनफॉर्मल। ठीक है, सो ये पांच अलग अलग टाइप्स हैं, इनके अंदर इतना इंडेप्थ जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, इतना इंडेप्थ जाने की, नाम नाम याद रखोगे और हल्का सा एक एक लाइन का डेफिनेशन भी याद रखोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका मेरिट्स, मेरिट्स के अंदर आते हैं डिसीजन मेकिंग भाई अच्छी हो जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है अगर डेलीगेशन हो रही होती है तो, ग्रोथ कंपनी की काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और लास्ट आता है मोराल, सो मोराल भी एम्प्लॉयज का बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस डेलीगेशन को फॉलो करने के अंदर।
सबसे पहला आता है कि भाई सुपीरियर की प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम सुपीरियर की होती है ठीक है तो ऑब्वियसली आएगी, कुछ प्रॉब्लम होती है सबॉर्डिनेट की, कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप कहोगे भैया इनके अंदर की प्रॉब्लम्स कहाँ है, सो यार देखो सिंपल सी बात है, वीडियो को मैं लेंथ लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैंने उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया, मतलब आप लोग बुक में से उसको कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ये आपको क्या सुपीरियर की कुछ जो तीन मतलब प्रॉब्लम्स होती है वो आप बता सकते हो, सबॉर्डिनेट की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो आप डिस्कस कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या दिक्कत इनको आती है ये बता सकते हो। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डेलीगेशन, एक इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे बनता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली क्लियर कट होने चाहिए। सेकंड चीज है यूनिटी ऑफ कमांड, जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, कमांड पावर नहीं बनेगी तब तक काम नहीं होगा। लास्ट है आपका रीजनेबल कंट्रोल, एक कंट्रोल रीजनेबल लेवल का होना चाहिए। लास्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक आज का, मतलब इस फिलहाल पार्ट का भी ठीक है, प्रिंसिपल्स प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड चीज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर देनी चाहिए। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को एक लिमिट तक देनी है, पहले बताना 100% अथॉरिटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर आके करेगा वो आपको। लास्ट है यूओसी मतलब यूनिटी ऑफ कमांड ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका क्या था अभी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ठीक है। मैं साइड में जाता हूँ, आराम से पूरे का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़े और इस यूनिट को जल्दी से जल्दी हम खत्म करें, क्योंकि दो से तीन टॉपिक एक्स्ट्रा इसके अंदर बच गए हैं जो कि हम जल्दी जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। सो यार स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ठीक है, मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स वही है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एमपीओ भी इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, जस्ट उसको पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर आपको क्लास 12 में जैसे नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड जॉब या फिर अथॉरिटी, मतलब इसके अंदर ना जॉब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है ठीक है, कि आपका ये काम होगा, आपको उस टाइम पे आना है, आपको उस टाइम से जाना है, आपको इतने टारगेट्स को अचीव करना है, तो इसके अंदर सब कुछ बेसिकली डिफाइंड होता है। सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब अब मान लो मैं है, मतलब मैं हूँ और मेरा भाई है ठीक है, या फिर मेरे कोई कजन है ठीक है, हम लोगों ने मिलकर क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि वहां पर हम लोग बातचीत कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे कि सर आपका काम हो गया, सर आपने वो बोला था, यार भाई है तो भाइयों से तो ऐसी बात होगी ना, और भाई वाला काम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट काम पे बढ़ती है, फिर हमने वाला टगर कर लिया, चल भाई नेक्स्ट काम बढ़ते, वहां पे भाई 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 हो रहा है ठीक है। सो उसका क्या मतलब है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जस्ट पहले मैं आपको जो समझाया फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है लार्ज और स्मॉल स्केल ठीक है। अब जो फॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है, अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज होती है ठीक है, उनको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है ठीक है, या फिर लार्ज स्केल के ऊपर काम करती है। अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अदानी ग्रुप का, या फिर हम लोग ले सकते हैं टाटा ग्रुप का ठीक है। मतलब ये जितने भी है ना, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। अगर ये लोग ऐसे काम करने लगे ना, अरे भाई आज हम लोग काम नहीं करेंगे, अरे भाई कल काम करेंगे, अरे भाई घास की छुट्टी ले लो, तो भाई इनका काम खराब हो जाएगा, जहां पे इनकी ग्रोथ है वहीं से लोग नीचे आ जाएंगे ठीक है। सो इसलिए उन्होंने एक अच्छा लेवल डेवलप कर रखा है। अगर आते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आप देखोगे उनको मैक्सिमम जो इनफॉर्मल लोग होते हैं ना, वो छोटे लेवल पे काम करते हैं। अगर वो छोटे सेक्टर मतलब लेवल से बड़े लेवल पे जाना भी चाहते हैं ना, सो वो अपने काम को स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जरूर आते हैं। लास्ट आता है यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल रहती है फॉर्मल, आप देख सकते हैं ना रिलायंस सबसे अभी तक चल रहा है ठीक है। अगर हम बात करें टाटा की, इतने सालों से अभी तक चल रहा है ठीक है। अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो बहुत सालों से अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्टेबल रहते हैं। और अगर अनस्टेबल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं आपकी गली में कोई दुकान खुलेगी या बिजनेस खुलेगा छोटा सा, कुछ टाइम बाद वो बंद हो सकता है, सो अनस्टेबल होता है। यही सारे पॉइंट्स हैं, इनके कोई गोल्स नहीं होते, इस वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। बाकी आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही हाई बना के रखता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप्स। बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मैंने टाइप्स तो लिख दिए हैं नौ के नौ। इसके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। बच्चे यहाँ पे कहेंगे भैया आपने वो नहीं समझा, ये नहीं समझा, डेफिनेशन वगैरह ब्ला 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 ठीक है। सो सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास आपके टीचर्स के दिए हुए नोट्स होते ही हैं। बाकी अगर आपको अब इसके नोट्स चाहिए होंगे स्पेशली इसके, मुझसे आप हर चीज के नोट मांगने लग जाते हो, सो हर चीज के नोट तो नहीं दे सकता। जो टॉपिक मैंने छोटे छोटे उसमें कर रखा है, उसके नोट्स मैं स्पेशली आपको कवर अप करके निकाल के दे ही दूंगा कहीं ना कहीं से। सो अगर आपको इसकी भी अंदर का चाहिए मटेरियल, सो भाई डीएम कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आराम से दे दूंगा। बट अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं समझने से फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप क्या कहता है हमारा। फंक्शनल बेसिकली ये कह रहा है कि अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से स्ट्रक्चर्स को बांट दो। मतलब स्ट्रक्चर्स को बांट दो क्या होता है यार, देखो फंक्शंस के हिसाब से, अब मान लो सेल्स एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है, अकाउंटिंग एक फंक्शन है,
सो मैंने चार डिपार्टमेंट बना दिए, हो गया फंक्शनल। सेकंड आता है वो हमारा डिविजनल। अब मैं कहता हूँ भाई डिवीजन है अलग अलग, ठीक है, ये डिवीजन ये काम करेगा, वो डिवीजन ये काम करेगा। सो डिवीजन के बेसिस पे मैं बांटा हूँ। जब डिवीजन के बेसिस पे हम लोग बांटते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, उसको हम बोलते हैं डिविजनल। थर्ड आता है प्रोडक्ट बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड का ये मतलब होता है, मान लो कोई बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डाइवर्सिफाई कर चुकी है। इसका ये मतलब है, अगर हम बात करते हैं नाइकी की, सो नाइकी की आप देखोगे कि आपको ट्रैक सूट टाइप भी कुछ मिल जाएगा, या फिर नाइकी के आपको शूज भी मिल जाएंगे। नाइकी की बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, टी शर्ट्स लोगे टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजें हैं यार, नाइकी एक लेवल पे पहुंच चुका है। सो अब वो लोग क्या करेंगे, उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, एक कैप की है इंडस्ट्री अलग कर दो, एक टी शर्ट्स की है इंडस्ट्री अलग कर दो, ठीक है, शूज की है इंडस्ट्री अलग कर दो, शूज में भी डिफरेंट टाइप्स होती है, इंडस्ट्री सबकी अलग कर दो। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल। अब मान लो मेरे को काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या फिर टेरिटरी, ठीक है, दिल्ली का काम दिल्ली में होगा, मुंबई का काम मुंबई में होगा, आसाम का काम आसाम में होगा, गुवाहाटी का काम गुवाहाटी में होगा। सो ज्योग्राफिकल वाइज हम लोग इनको बांट सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है कस्टमर बेस्ड। अब भाई कस्टमर बेस्ड का ये मतलब है कि जितने कस्टमर जहां पे ज्यादा होंगे, उस अकॉर्डिंग आप उनको बांट सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो कि एक सेट ऑफ पीपल काफी ज्यादा अच्छा काम करता है, तो आप उनको कौन से कस्टमर्स दोगे, आप उनको खराब कस्टमर्स दे दोगे या फिर आप उनको नए कस्टमर्स दे दोगे। सो यार बेसिकली आप उनको वाले कस्टमर्स दोगे जो कि आप लोग आपकी मतलब पुराने कस्टमर्स हैं, ठीक है, नए बंदे की वो सुनेंगे नहीं, तो आप अच्छे सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को आप उन लोगों को दे दोगे कि हाँ यार ये किसी नए बंदे की सुनेंगे काम करवा दो, ठीक है। तो कस्टमर बेस्ड ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिकली एक स्पेशल वेंचर के लिए बनता है, छोटे टाइम के लिए बनता है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे, एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया एक सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपका 1 और 6 ये जो पॉइंट्स है ना, फंक्शनल और प्रोजेक्ट, इन दोनों का मिक्स होता है। अगर आपको कहीं कोई मैट्रिक्स लिखे तो मैट्रिक्स के अंदर आप डाल सकते हैं कि ये मिक्सअप होता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट का, और दोनों का एक्सप्लेन कर देना काम इजी से हो जाएगा। लास्ट आता है हमारे 2 बजे हैं यहाँ पे, टीम और वर्चुअल। टीम के अंदर क्या होता है भाई, ऑब्वियसली टीम बना के आप अलग अलग सेक्शन बांट सकते हो, ठीक है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है काफी अच्छा काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो अलग से काम कर रहा है, अलग अलग ग्रुप्स ऑफिस के अंदर बनी जाती है, ठीक है, सो वहां पर हम उनको उस अकॉर्डिंगली भी डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, मतलब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन टाइप या फिर हम बोल सकते हैं इसको नेटवर्क टाइप, ठीक है, इसका दूसरा नाम है नेटवर्क। सो वर्चुअल या फिर नेटवर्क के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं लोगों के, ठीक है, लोगों को हम एम्फसाइज करते हैं कि आप अपने नेटवर्क बनाओ, ठीक है, अच्छा खासा नेटवर्क बनाओ, कस्टमर बेस का बनाओ, अलग अलग चीजों का बनाओ। तो नेटवर्क जिसका ज्यादा होता है हम उसको उस हिसाब से अलग अलग करके बांट देते हैं, इट्स सो सिंपल। अब यहाँ पे ये दो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, सेकंड यूनिट पहले का भी कवर कर चुका हूँ, बाकी आते हैं हमारी ये दो टॉपिक्स के ऊपर। अब आप कहोगे भैया अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है, पार्ट 1 देखा है, तो आप लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने ना दो टॉपिक मिस करे हैं, प्रिंसिपल्स और एमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और अभी यहाँ पे तो दिख नहीं रही है, मैंने तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो क्या मतलब मैं समझाऊंगा नहीं। अगर जिसने ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने पहले वाला पार्ट ध्यान से देखा ना, तो उसके अंदर मैंने प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं कराऊंगा। एमर्जिंग ओएस के अंदर आप लोगों का यही आ जाता है पूरा का पूरा, एमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, सो उसके अंदर भी हम लोग को एक्स्ट्रा करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी फिलहाल मैं जस्ट साइड बताता हूँ, जल्दी से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी यार जस्ट मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये यूनिट भी मैंने बहुत ही जल्दी बहुत ही छोटे से टाइम स्पैन के अंदर आप लोगों को कवर करके दी है, और ऐसे ही आप लोग क्या बनाए रखें, नीचे कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये पूरी सीरीज जो है एमपीओवी की कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं मैं आपसे अगले यूनिट के साथ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।